हेलो फ्रेंड्स, 2005 का सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सोम का। ए रॉड इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिएक्सियल लोड विद इन लीनियर इलास्टिक लिमिट व्हेन द चेंज इन स्ट्रेस इज 200 मेगापास्कल द चेंज इन स्ट्रेन इज 0.001। ओके, इफ द पॉइजन रेशियो ऑफ द रॉड इज 0.3 द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इन गीगापास्कल इज। ठीक है, आपसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी गीगापास्कल में पूछा गया, एक नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको देखिए क्या दिया हुआ, डेल्टा सिग्मा इज गिवन, चेंज इन सिग्मा 200 मेगापास्कल एंड स्ट्रेन में चेंज भी दिया हुआ 0.001। तो अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखें तो एक स्ट्रेट लाइन होगी इलास्टिक लिमिट के लिए, लीनियर इलास्टिक लिमिट हियर। सो वी नो दैट द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो क्या हम इसको स्लोप लिख सकते हैं, इस कर्व पर स्लोप? तो इस कर्व पर स्लोप क्या हो जाएगा, जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी सिग्मा डिवाइड बाय डी एप्सिलॉन, दिस इज डी सिग्मा, बहुत स्मॉल हमने ले लिया, दिस इज डी सिग्मा एंड दिस इज डी एप्सिलॉन। सो डी सिग्मा गिवन 200 मेगापास्कल डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0.001 विच इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, टू 2 × 10³ मेगा पास्कल। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200 गीगा पास्कल। ठीक है, आपको क्या चाहिए, जी। सो आपने इलास्टिक कांस्टेंट के रिलेशन में पढ़ा होगा ई इज इक्वल टू 2g1+μ। ठीक है, तो यहां से आप जी लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय 2 × 1+μ। आपको सारी वैल्यू गिवन है, ई आपने कैलकुलेट कर लिया 200 गीगा पास्कल डिवाइड बाय 2 × 1+0.03। सो दिस इज 200 डिवाइड बाय 2.6, दिस इज आएगा 76.9 मेगा पास्कल। इसको ऑलमोस्ट आप लिख सकते हैं 77 मेगा पास्कल। सो योर आंसर इज ऑलमोस्ट 77 मेगा पास्कल इज गिवन। ठीक है, इस तरीके से निकालना था। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।